जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और ये मेरा विश्वास है कि एक बार जब गरीब सशक्त होता है तो उसमें गरीबी से लड़ने का हौसला आता है। गरीब कल्याण हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनका संकल्प है हर गरीब को मकान मिले, सबको आवास। उन्हीं के इस संकल्प को पूरा करते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे 2 करोड़ गरीब भाई और बहनों को ग्रामीण क्षेत्र में मकान बनाए जाएंगे। इन 2 करोड़ मकानों पर 3 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी और कोई गरीब वंचित ना रहे, इसलिए पात्रता की शर्तों में भी परिवर्तन किया गया है। अब 2 पहिया वाहन वाले भाई बहन मकान के लिए पात्र होंगे। जिनके पास मोटर चलित वोट है वो भी पात्रता की सूची में आ जाएंगे। अभी तक 10,000 रुपया से अधिक आय अगर परिवार की होती थी तो इस योजना के अंतर्गत वो पात्र नहीं माने जाते थे, लेकिन अब 15,000 रुपया भी मासिक कमाते हैं तो उनके मकान भी बनाए जाएंगे। मैं बहुत परेशान थी, पानी भर जाता था बारिश में, मुझे कुटी मिल गई, मोदी जी की वास है तो मैं बहुत खुश हूँ। केवल मकान नहीं बनेगा, मकान के साथ साथ सभी बुनियादी सुविधाएं अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस करके उपलब्ध कराई जाएंगी। मकान में शौचालय, पीने का पानी, गैस का चूल्हा और तो और सोलर पैनल बना के बिजली की व्यवस्था भी की जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, जो सबसे पीछे है और सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है। दरिद्र ही हमारा नारायण है, गरीब ही हमारा भगवान है, ये संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री जी का। इसी संकल्प की पूर्ति का माध्यम है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।